हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटी एस जी क्रिएटिव। तो आज हम बनाएंगे एक क्यूट सा क्राफ्ट एक पुराने बल्ब का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बल्ब और बॉटल के ढक्कन और ये फॉइल पेपर। तो इन सब का यूज़ करके हम आज एक क्यूट सा क्राफ्ट बनाएंगे। तो जैसे जैसे मैं इसको बनाऊंगी आपको पता चल जाएगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने फॉइल पेपर को क्रश करके एक शेप दे दिया है और शेप देके मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। बेस पे मैंने एक जो क्रीम के अंदर जो ढक्कन आता है उसको कुछ इस तरह से मैंने बल्ब के बेस पर चिपका दिया है ताकि बाद में हम इसको अच्छे से स्टैंड कर सके और ये इधर उधर ना लुढ़के। अब मैं इन सबको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूँगी और एक बेस तैयार कर लूँगी। बेस तैयार करने के बाद मैं इसको पूरा क्ले से कवर करूँगी। तो देखिए हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम इसको क्ले से कवर करेंगे और फेविकॉल की हेल्प से इसके ऊपर क्ले चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको भी ये सेम क्ले यूज़ करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब ये पूरा क्ले से कवर हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेलिंग देंगे। तो आप चाहे जैसी मर्जी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये स्टील वाला जो स्क्रबर आता है बर्तन मांजने वाला वो ले लिया है और उससे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिटेलिंग दे दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ़ लुक चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो जब ये इसके ऊपर डिटेलिंग दे दे और थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद ही हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करेंगे ताकि वो हम ईज़िली कर सकें। अब मैं यहाँ इसके हाथ, नाक और आँखें बनाऊंगी और अब इसके लिए मफलर और हैट भी बना के तैयार कर लूँगी और इसको फेविकॉल की हेल्प से सबको अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं, स्नोमैन या कोई कार्टून या जो भी आप नाम देना चाहें इसे दे सकते हैं। तो इसे आप बच्चों के रूम में डेकोरेट कर सकते हैं और इस तरह से आप कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके अच्छी अच्छी सी चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करूँगी और जब सारी डिटेलिंग ऐड हो जाए तो उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और मैंने इसको पूरा एक दिन ड्राई होने के लिए दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब ही हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये अब अच्छे से ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद मैं सबसे पहले इसके ऊपर वाइट जेसो अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस क्ले का रंग जो था वो वाइट नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई किया है।
अगर क्ले वाइट है तो जैसे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा डायरेक्टली कलर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी कलरिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक कलर लिए हैं, लेकिन काफ़ी वाइब्रेंट कलर का ही यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसकी एक्सेसरीज़ को ही कलर किया है और इसके बेस को मैंने वाइट ही रखा है। तो मैं इसके मफलर को और बाकी की जो एक्सेसरीज़ हैं उनको कलर कर दूँगी और इसको कम्प्लीट करूँगी। आप यहाँ पर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट कलर हैं उसका यूज़ करके आप इसको कलर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कलरिंग कंप्लीट हो गई है। तो जो भी मैंने इसकी एक्सेसरीज़ इसको पहनाई हैं उनको हाईलाइट करने के लिए मैं कहीं कहीं पर ब्लू कलर से शेडिंग दूंगी, ताकि वो एक्सेसरीज़ जो हैं वो हाईलाइट हो सके। तो कलर करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये रहा मेरा क्यूट सा स्नोमैन। आप सबको भी ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरे DIYs अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।